हेलो फ्रेंड्स, मैं बबीता आपका अपनी रसोई में स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ भेज मंचूरियन, जिसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। भेज मंचूरियन बनाने के लिए हमें चाहिए 2 कप कटा हुआ कैबेज, पत्ता गोभी, 1 कप गाजर, 2 छोटे चम्मच लहसुन, 2 छोटे चम्मच अदरक, थोड़ा सा बीन्स और थोड़ा सा हरी मिर्च, 1 कप मैदा। चलिए इन इंग्रेडिएंट्स को मिलाते हैं। चलिए सबको मिलाते हैं। सबको अच्छे से एक बॉल में हम मिक्स करेंगे। उसमें मिलाएंगे थोड़ा सा नमक स्वाद के हिसाब से, 1 टेबल स्पून के करीब, और मैदा थोड़ा थोड़ा करके मिलाएंगे। ज़रूरत के हिसाब से ही डालेंगे, ऐसे मैंने 1 कप लिया है, और हम देख लेंगे जितनी में बाइंडिंग हो जाएगी बस उतना ही लगाएंगे। ऐसे अच्छे से ऐसे बाइंडिंग करेंगे। ये हमारा डो अच्छे से तैयार हो गया है। अगर आपको ज़्यादा गीला लगे तो थोड़ा सा और मैदा मिला लेंगे, बाइंडिंग अच्छी होनी चाहिए, शेप दे देंगे फिर ऐसे। छोटे छोटे बाइंडिंग बना लेंगे। अभी हमारा मंचूरियन बॉल रेडी हो गया है। चलिए अब हम इसे तलते हैं। तेल को हम देख लेंगे, थोड़ा हाई हीट पे पहले गरम करेंगे, उसके बाद मीडियम फ्लेम कर लेंगे और डालेंगे। तेल को हाई हीट पे इसलिए रखेंगे कि हमारा बॉल कम ठंडे तेल में डालने से टूट सकता है। तो पहले हम हाई करेंगे, फिर उसके बाद मीडियम करेंगे। इसे हमारा हो गया है, फ्राई हो गया है, हम इसे निकाल लेंगे। ये हो गया हमारा मंचूरियन सारा बॉल। अब हम चलते हैं ग्रेवी लगाने के लिए। उसके लिए हम एक लेंगे मोटी तली वाला पैन। मोटी तली वाला पैन लेने से जो हमारा तड़का लगाते हैं वो बहुत अच्छे से लगता है, नहीं तो नॉन स्टिक पैन में अच्छे से नहीं लगेगा, इसीलिए हम मोटी तली वाला पैन लेते हैं, उसमें हम तड़का लगाएंगे। इसमें 3-4 चम्मच तेल डालेंगे। इसमें डालेंगे सबसे पहले गार्लिक डालेंगे, लहसुन को, लहसुन मैंने 1 चम्मच के करीब चॉप लिया है। इसमें 1 चम्मच के करीब अदरक डालेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 10 सेकेंड के करीब इसे ऐसे चलाएंगे ताकि लहसुन का कच्चापन निकल जाए। इसमें हरी मिर्च डालेंगे 1 चम्मच। प्याज डालेंगे थोड़ा सा चॉप, और थोड़ा सा शिमला मिर्च डालेंगे। अच्छे से फ्राई करेंगे। 1 मिनट तक कम से कम इसको फ्राई करेंगे। इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, तीन चार चम्मच के करीब टमाटर केचप डालेंगे इसमें। हाई हीट पे ही से अच्छे से करेंगे तभी इसकी अच्छी आएगी फ्लेमिंग। हो गया है हमारा, हम इसमें पानी डालेंगे।
अभी पानी डालने से ये पतली हो गई है, तो अब हम इसमें थोड़ा सा एक चम्मच अरारोट डालेंगे घोल कर। अब हम इसमें एक चम्मच के करीब अरारोट घोल के डालेंगे, तो ये ग्रेवी मोटी हो जाएगी। इसे मिक्स कर देंगे और इसे खोलने देंगे। हमारी ग्रेवी हो गई है, अब हम इसमें सारे बॉल को डाल देते हैं। एकदम बढ़िया लग रहा है। सारे बॉल को डाल के इसमें मिक्स कर देंगे। बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी ये रेडी हो गया है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और सर्व करेंगे। ये देखिए अच्छा बना है, इसे सर्व करेंगे।